कि बीजेपी इसके जरिए कई निशाने करने चाहती है, मतलब सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं दे रखा जा रहा बल्कि उन राज्यों के जहां जहां लगातार छापे पड़ रहे हैं उन राज्यों के विधानसभा चुनावों को भी देखा जा रहा है। और लगातार दिल्ली में जो हार का सामना करना पड़ा, अब की बार बिहार के विधानसभा चुनाव आएंगे लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के भी चुनाव है, तो इन सबको एक साथ किसी तरह से जीत पाने के लिए ज्यादा सीटें निकालने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे गोयल जी? जवाब किस तरीके से निकालेंगे इसका रास्ता, हमारे जो विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग हैं वो अपने आप हमारे लिए बहुत आसान कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे भाई को इस बात का डर कि बीजेपी का तेजी से जनाधार घट रहा है। भाई किसी भी पार्टी का जनाधार घटे या किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़े वो पार्टी का आंतरिक मामला है, आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें इस विषय पर आपको विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये लोग पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, माधवराज सिंधिया जी को ये भूल गए होंगे, माधवराज सिंधिया भी हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि तुम अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो, अपने लोगों को की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हो, अपने लोग जो जनता से वायदे करके आए उनको पूरा नहीं कर रहे हो, सत्ता में आकर के सत्ता मद में भूल जाते हो, इसलिए वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और इसका आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इनके गठबंधन के लोग यूपी और बिहार वालों के बारे में क्या कहते हैं कि ये तो शौचालय साफ करेंगे, ये गौमूत्र पियेंगे, गौमूत्र पीने वाले के रहने वाले हैं, शौचालय साफ करने वाले लोग हैं, तो उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करते हैं हिंदुस्तान को, ये कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और इनके गठबंधन लोग कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा। तो अब ये भारत जोड़ो या कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, और सही बात यह है कि इनकी यात्रा भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकालने के लिए जा रहे हैं, अन्याय यात्रा यूपी बिहार वालों के साथ, यानी जो यूपी बिहार वालों के साथ दक्षिण के लोग बोल रहे हैं और ये चुपचाप सुन रहे हैं, इसलिए यूपी बिहार के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जिसको ये स्वीकार कर रहे हैं, ये इसलिए मैं इसको अन्याय यात्रा की बात कहता हूँ। एक बात, हमारे सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को बीमारी कहते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू कहते हैं और हम उनके साथ गठबंधन में शामिल, वो हमारे गठबंधन में शामिल है, इस पर भी इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कुछ और कहते हैं, उनके बेटे कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग कुछ और कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या सत्ता की मजबूरी हमको इनके साथ रहना है, चाहे हमें गाली दें चाहे हमारे जूते मारे, हमें इनके साथ रहना है गाली सुनकर के भी, यूपी बिहार वालों को गाली देने के बाद भी हम उनके साथ लगे हुए हैं, जनता ये सब देख रही है और जनता इसलिए देख रही है, सिर्फ सत्ता लोलुपता है इसलिए इस बात को स्वीकार कर रही है। दूसरी बात क्या है कि राम मंदिर, आप राम मंदिर में भव्य राम मंदिर बन रहा है, इनके विरोधाभासी बयान, इनके विरोधाभासी कार्य, यानी राम मंदिर, राम भक्तों पर गोली चलाना, उसको अस्तित्व को नहीं मानना, सेतु के अस्तित्व को नहीं मानना, रामलला को काल्पनिक कहना, और आज अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो हम भी राम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए आपको बुला रहे हैं भाई, जब तो हम जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और उसके बाद में ये कह रहे हैं बीजेपी की पपोती, अरे भाई भगवान राम सबके हैं, हम भी सबके मान रहे हैं, हमने भगवान राम के मंदिर निर्माण में जो हमसे बन सका वो हमने कोशिश करके उसमें सहयोग देने की कोशिश करी, आपने सहयोग नहीं दिया, आपने असहयोग करा, आपने विरोध करा, तो इसका मामला आपका अंदरूनी मामला, हमारा तो कोई मामला नहीं है, हम तो फिर भी कह रहे हैं भगवान राम सबके, आप आओ दर्शन करो, उनके उनका धान भी लाभ उठाओ, आप उठाने को तैयार नहीं, तो इसमें ये आपका मामला, हमारा कोई मामला नहीं है। तीसरी बात क्या है कि ये जो अभी तक भी कांग्रेस क्या कह रही है, हम ये अभी फैसला ही नहीं कर, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, अरे इससे अच्छा तो सीपीएम वाले हैं, उन्होंने उन्होंने स्पष्ट तो कह दिया हम नहीं जाएंगे, आप जनता को, आप खुद गुमराह हो और जनता को भी गुमराह कर रहे हो, और इसका खमियाजा निश्चित तौर पर जो इंडी गठबंधन है उसको उठाना पड़ेगा। और इस बात के लिए मैं रविंद्र जी की बात तो नहीं कहता, लेकिन जो नीलम जी हैं, मैं निश्चित तौर पर, बेशक वो कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, विपक्ष जो इंडी गठबंधन का पक्ष रखती हैं, लेकिन मैं उनकी समझदारी का कायल, वो अपनी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन वो समझती भी है कि अनिल गोयल ठीक कह रहा है, लेकिन मेरी इनकी कोई मजबूरी होगी जिस मजबूरी में ये उनका समर्थन करती है, लेकिन सच्चाई है, मैं कई बार नीलम जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर सड़कों पर सड़कें खाली होंगी तो लोकसभा सांसद अराजकता होगी। अब ये इतना इतनी बात भी इनके दल समझ नहीं रहे हैं कि अगर कहीं पर भी सत्ता पक्ष गड़बड़ी कर रहा है उनकी जगह में, तो उसका इनके पास सड़क, इनके पास रास्ता है विरोध करने का, कोर्ट इनके पास रास्ता है, एफआईआर दर्ज कराने पर इनके, कुछ नहीं करते, एयर कंडीशन बैठे रहते हैं, टीवी स्टेटमेंट दे दी, अखबार स्टेटमेंट दे दी और सब काम को ठीक समझ। तो ये निश्चित तौर पर अगर नीलम जी के राय पर भी चल पड़ेंगे जवाब दे देते हैं तो भी बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो नीलम जी, वैसे सर से मैंने सवाल यही किया था कि क्या बीजेपी इसके जरिए जो अगले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा, चाहे दिल्ली हो, बिहार में भी अभी रिसेंटली हार का सामना करना पड़ा था, तो उसको कवर अप करने के लिए पहले से रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे। सर ने इसको हल्का सा स्किप किया और अपनी बातें कही, ठीक है। मैम, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्या जैसे दिल्ली का अगर केस लेते हैं, दिल्ली में लगातार 3 बार से हार रही है बीजेपी, तो उसको केजरीवाल के खिलाफ अब तक कोई ऐसा ठोस कदम, ठोस एक तरह से डिफेंस नहीं मिला है बीजेपी को। कहीं ना कहीं जो उनकी ताकत थी, आज केजरीवाल जी ने भी यही कहा कि जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है उसी पर वार किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या इसके जरिए जो ये लगातार सिनेरियो घटना बनाई जा रही है, इसके जरिए आगे की विधानसभा चुनावों को देखकर पार्टी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, या जनरली उनके पास ऐसे सबूत हैं जिसको लेकर
लगातार दम भरते हैं बीजेपी। अगर हम जो हमारे इस वक्त केजरीवाल हैं, तेजस्वी हैं, हेमंत सोरेन हैं, डीके शिवकुमार हैं, अगर इनको हम ले तो ये मायावती की तरह नेता नहीं है जो कि अपनी संपत्ति वगैरह को बचाने के लिए ईडी के दबाव में आ जाते हैं या भाजपा सरकार के दबाव में आ जाते हैं। ये काफी पढ़े लिखे और बड़े तेज तरह और जनता की पॉलिटिक्स करने वाले नेता है, इसीलिए वो अपना दमखम भी दिखाते हैं। अब देखिए केजरीवाल ने सीधे सीधे चैलेंज किया है कि आप पहले मुझे बताइए आप किस लिए मुझे बुला रहे हो, मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तेजस्वी कहते हैं कि ये तो इनका रूटीन का अफेयर है, मैं तो जाता ही रहता हूँ, मुझे तो ईडी और सीबीआई के समझ आते रहते हैं। हेमंत सोरेन ने के पास 9 बार नोटिस गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन को ही चैलेंज कर दूंगा। डीके शिवकुमार को साउथ का अमित शाह कहा जाता है, बहुत अच्छे प्लानर है। तो ये जो नेता इनकी अपनी एक रीढ़ की हड्डी है, ये ईडी का सामना कर रहे हैं। ये अजीत पवार या हेमंत बिस्वा नहीं है कि आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये वाले जो नेता है इनका अपना भी एक स्टैंड अप, अपना एक वजूद रखते हैं, अपने अपने राज्य में इनका दमखम भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम स्पेसिफिकली केजरीवाल का लें, केजरीवाल बहुत इंटेलिजेंट और आप कह सकते हैं कि मोदी के लेवल के, एक छोटा मोदी भी कहते हैं लोग उनको, उस तरह का शातिर दिमाग उनका है। आप देखें किस तरह से उनका राइज हुआ था और दिल्ली के सीएम बने दूसरी बार, फिर उन्होंने मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाई और अब आप देखें पंजाब में भी उनकी अपनी एक फुल मेजोरिटी की सरकार है। तो ये दिखाता है कि उनके अंदर पॉलिटिकल सेंस कितनी अच्छी है, वो मौके का फायदा कितना उठाते हैं। ये भी हम जानते हैं कि वो कांग्रेस के ही वोट शेयर पर ही सीएम बने हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो जो रीजनल पार्टीज का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। अगर इस बार जो भाजपा को नहीं हराया गया तो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं जो अलग अलग राज्यों में है, बिहार में है, बंगाल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो एक अपनी पार्टीज को बचाने का, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने का भी एक दर्द है कि इन्हें कांग्रेस के साथ मिलकर सबको इंडिया ग्रुप में आना पड़ रहा है। तो केजरीवाल अपनी उस मजबूरी की वजह से भी है और दूसरा उन पर जो एक आप कह सकते हैं कि जेल जाने की जो तलवार लटक रही है, वो उससे बचने के लिए भी उनको इंडिया गठबंधन में बने रहना और उनका साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज वेल एज केजरीवाल इज कंसर्न, वो एक बड़े सुलझे हुए मौके का फायदा उठाने वाले पॉलिटिशियन है। वो कांग्रेस के कई करप्शन को लेकर सीएम बने थे, उसके बाद नेचुरली पिछले मुद्दे वो भी कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी ने भी जो कांग्रेस के जो करप्शन के केसेस है आजकल उसमें कुछ मिला नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो सिर्फ इलेक्शन के समय करप्शन का एक इशू रेज करने से जनता को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको डाइवर्ट किया जाता है या मूर्ख बताया जाता है थोड़ी देर के लिए कि हम ही बड़े ऑनेस्ट हैं। कुछ देर पहले गोयल जी ने कहा था कि बड़ी जल्दी से कार्रवाई कर ली उन्होंने 503 केसेस को टेस्ट करके। आप देखें महाराष्ट्र के अजीत पवार को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 75,000 करोड़ का घोटाला है एनसीपी का, तो और 24 घंटे भी नहीं हुए थे वो उनकी गवर्नमेंट में आके डिप्टी सीएम बन गए थे और आज तक उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये कि या तो आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ माफ है, और अगर आप हमारे खिलाफ हैं तो आप जेल ही जाएंगे। तो ये जो एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को डराने का, धमकाने का, ताकि वो सब इकट्ठे ना हो, उनकी ताकत इकट्ठी ना हो, इसलिए उनके ऊपर बार बार जो है ईडी का जो एक डर है वो दिखाया जाता है। तो ज्यादातर हमने देखा है कि नेता ईडी के डर से बैठ जाते हैं, दब जाते हैं या अपनी साइड बदल लेते हैं। लेकिन ये जो 4-5 नाम है, अब से मनीष सिसोदिया को क्यों भूलते हैं, वो 11 महीने से जेल में है। शुरुआत में वो कहते थे कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद संजय सिंह भी मुखर होकर बोल रहे थे अडानी के अगेंस्ट भी, उनको भी जेल में डाल दिया गया, वो मुद्रा को संसद से निकाल दिया गया। तो ये जो सारे एक्शंस किए जाते हैं ये अपनी अपोजिशन को तोड़ने के लिए, उनकी एकता को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और खासकर जो भाजपा सरकार है वो अपने अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको दुश्मन की तरह देखती है और उसी तरीके का उनके साथ सख्त ट्रीटमेंट भी करती है। तो एक बड़ी ब्रूटल पॉलिटिक्स अपनी अपोजिशन को खत्म करने के लिए की जा रही है और ईडी एक बड़ा हथियार है गवर्नमेंट के पास। मैम एक सवाल मैं और करना चाहूंगा आपसे, बल्कि टॉपिक से थोड़ा लगा लेकिन करना चाहूंगा। हालिया ही नीतीश जी को संयोजक बनाए, जो इंडिया गठबंधन है उसके संयोजक बनाने की खबरें सामने आ रही हैं और बातें भी चल रही हैं कि जो मीटिंग होनी थी वर्चुअल मीटिंग उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया गया है, लेकिन इससे फैसला एक तय हो गया है कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाएगा। इसको एक खबर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं वो रूट के एनडीए में ना चले जाएं,
इसलिए उनको संयोजक बनाने का काम किया जा रहा है और आगे चल के अब वो प्रयास करेंगे। लेकिन नीतीश जी के नाम पे कहीं ना कहीं ममता जी असहमत थी जब पहले बात हो रही थी, तो इस चीज को इंडिया गठबंधन आपको क्या लगता है कैसे टैकल करेगा? और सवाल ये भी कि क्या नीतीश जी के संयोजक बनने से इंडिया गठबंधन का एक्सपेंशन आसानी से हो पाएगा? इसमें मायावती जी भी आ सकती है, अन्य दल है जो आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये देखिए अगर जो संयोजक का पद होता है काफी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन होती है, सारे मेंबर्स को साथ में बिठा के उनकी जो भी बीच में अगर आपकी प्रॉब्लम आती है रिजोल्व करना होता है, तो वो एक्सपीरियंस लेवल अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जिसको मीट करते हैं उन्हें वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो सभी को साथ में ला सके। शुरुआत भी उन्होंने ही की थी इंडिया गठबंधन की, तो एज वेल एज संयोजक जो एक पोजीशन है वो उसके लिए दावेदार है और वो उसके लिए सुटेबल भी है और एक बड़े अच्छे संयोजक साबित भी होंगे। दूसरा ये कि अब जैसे कि जिस ईडी का ही है, ईडी एक हथियार है गठबंधन को तोड़ने का, दूसरा एक तरीका होता है कि जो गठबंधन के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कुछ ऐसी खबरें ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए कि जनता में ये मैसेज जाए कि वो उनके साथ नहीं है। तो ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है जो कि उनके पार्टनर्स के साथ, और उनका बहुत सारी अफवाहें जो है वो सर्कुलेट हो जाती है, हमें सुनने को मिलती हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी, दवाइयों के बारे में भी, लालू प्रसाद की भी स्टेटमेंट, कुछ इस तरह की खबरें आ रही, लेकिन वो किसी भी जो है ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आ रही है, तो इसलिए उन्हें सच भी नहीं मानना चाहिए। तो पहला तो ये कि संयोजक बनाना ये एक अच्छा कदम होगा। और आप एक और चीज आप देखें, अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है वो कभी भी उनके बारे में खबरें कभी बाहर नहीं आती है, और जो वर्चुअल मीट्स होती है वो एक्चुअली ओपन डोमेन में आ जाती है, तो वर्चुअल मीट में इस तरह के डिसीजन लिए भी नहीं जा सकते जिससे कि उनकी जो प्राइवेसी है उस मीटिंग की वो बाहर आ जाए। कि आप एक और चीज देखें, 2019 के इलेक्शन के आसपास पेगासस का इशू बहुत ज्यादा था जिससे कि उनकी सारी की सारी खबरें जो सरकार तक पहुंच भी जाती थी। अब जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी मेंबर्स हैं वो हर एक प्रिकॉशन लेते हैं कि उनका क्या डिसीजन है उनकी मीटिंग्स की इंटरनल न्यूज बाहर ना जाए, तो इसलिए उस वर्चुअल मीट में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी एक वजह रही हो कि डिसीजन फाइनल नहीं किया गया, वो बाद में किया जाएगा। तो नीतीश कुमार एक अच्छे संयोजक हो सकते हैं, और एक संयोजक जो है वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा या नहीं ये कोई जरूरी नहीं होता, ये एक बात का मैटर है। तो नीतीश कुमार के पास दोनों ही ऑप्शंस हैं, लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जाएंगे, उन्हें इतना समय हो चुका है और वो एक ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं कि वो इस स्टेज पर अपनी पॉलिटिक्स को इस तरह से समाप्त नहीं करना चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ ज्वाइन कर ले। उनके साथ इंडिया गठबंधन में रहकर काम करना ज्यादा उनके लिए कैरियर और एक लाइफ की एक अचीवमेंट कही जा सकती है जो कि भाजपा के साथ कतई नहीं होगी। तो उनके कद का व्यक्ति इंडिया गठबंधन का संयोजक बनता है तो गठबंधन के सभी सदस्यों को मान्य होगा, इवन ममता बनर्जी भी इसका स्वागत करेंगी कि अगर वो संयोजक बन जाए, तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा अगर इंडिया गठबंधन ऐसा करता है।